गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म मसले है। लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता, ठीक है? इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, जिसका जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, हमारी उनके जेन कैसे मिल सकते हैं? हम लोगों में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं बता, दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। आपको ये जो नजर आ गया, आपको बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई? तो आजाद है, लेकिन हम लोग आजाद नहीं है। क्यों नहीं आजाद? हम तो बंदिश में है, हर चीज का टैक्स है, महंगाई इतनी है, घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे, आटा जो मिल रहा है 650 का वो आटा नहीं है, फक है। इंसानों के हक तो गधों को खिलाई जाती है, हम लोगों को गधा ही समझ लिया इस आवाम ने, हुकूमत। मेरे ख्याल में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत उस वक्त ये बयान दे दिया था कि अब जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं वो जब तक जिंदा रहेंगे वो ये साबित करने में लगे रहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ वफादार हैं। अगर दोस्तों जय श्री राम, तो आज के टाइम में थिंकिंग की बात कर ले आप, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सड़क से जा रहे हैं और आपको एक छोटा जीव जंतु यानी कि चिड़िया की बात कर ले, एक चिड़िया मरी है और एक जिंदा है, और जिंदा भी घायल है। अगर आप वहां पर रुक कर मरी हुई को मिट्टी में दबा रहे हैं और जिंदी को पानी पिला रहे हैं, चोट लगी थी घायल थी, तो आप एक सच्चे सनातनी है। यही फर्क है भाई सोच का एक पाकिस्तानी और एक भारतीय सनातन में, यानी कि पाकिस्तानियों को गाय का मांस खाना है रोटी के साथ और भारत सनातनी को रोटी देनी है गाय को। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो ओल्ड इज गोल्ड। मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो हम कुर्बानी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मतलब हमारा एक वो त्यौहार होता है, तो इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमान भी यहाँ ऐसी कुर्बानी करते हैं? इन बहुत जुल्म हो रहा है, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा है। अंकल जी, ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं। जी उधर 30 करोड़ मुसलमान है, शायद इससे भी ज्यादा, तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको? यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो, कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल के वो रोकते हैं। चले मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होकर कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे, आप करने दे, हम क्या करने दे, नहीं करने देंगे, नहीं देंगे, नहीं करने, नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म कर, जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं, त्यौहार है ना हमारा, एक दिन त्यौहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा, अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उसे उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मजहब में ये चीज नहीं है। जी हाँ जी, क्योंकि वो उसको पूछते हैं उसका, यानी उनका सो अपना कोई एक निजाम, एक रस्म, हाँ जी रस्म है, ठीक है, हम उनको हर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी चार दीवारी में ये हमें चाहिए कि हम कुर्बानी वगैरह करें। मुसलमान रहते हैं लाइक, इधर मुसलमान है सारे, आप इधर कुर्बानी करो, देखो आपको पता है, बेशक रोड पे करो, बेशक गली में करो, आपको पता है यार कोई दुख नहीं रहा सारे, बल्कि अपना एक उन सारों का एक ही मजहब है और उस तरीके से, लेकिन जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पे उनके भी मजहब का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? जी जी बिल्कुल रखना चाहिए भाई, बिल्कुल हाँ जी। फिर इस बात पर अगर कोई मुसलमान कह देता है कि देखो जी हमें कुर्बानी नहीं करने दी जा रही, तो फिर कैसा लगे? वक्त ही तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उनकी अपनी गलती है, अपनी उनकी अपनी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? हमें बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा, हाँ जी। तो यही बात है, अगर यहाँ पे हम उसको रस्म नहीं करने दे रहे, अपनी कोई पूजा नहीं करने दे रहे, तो फिर वो भी तो थोड़ा दिल रखते हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता है। नहीं, पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता भाई। तो हमारे एक मुसलमान भाई ने उन्हें हर्ट करने के लिए उसी वीडियो के यानी रिप्लाई में उसे कहा कि जो तुम गाय का मूत पीते हो, हम गाय का दूध पीते, हम भाई भाई नहीं हो सकते। उसे फिर ऐसे तो नफरतें फैलती हैं मेरे भाई, नफरतें फैलती हैं। ऐसी बातें मैं ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपनी जिंदगी अच्छे तरीके के साथ अपने दीन के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, उन्हें अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, लेकिन हमें उनके मजहब का एहतराम करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का एहतराम। हम इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, गुजरात में देखें उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, एक कातिल है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या, हमारे अपने मसले हैं, ठीक है, इन मसलों को हम खुद हल करेंगे। हमारी दुनिया की नंबर 1 ISI
उसके मुकाबले में क्या है इंडिया के पास, मुझे ये बताएं। अच्छा यहाँ पर सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंटरनेशनल इमेज, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है, आप देखिए सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमेरिका के साथ, अमेरिका हमारे बारे में कहता है ठीक है। अब इंडिया के जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप गया था उसने कहा था अच्छा, पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप और क्या चाहिए? अच्छा, किस हमारे तलक खराब है? इसराइल के साथ हमारे तलक नहीं ठीक कभी भी नहीं, इसराइल की तो हम बात ही नहीं, इंडिया के साथ हमारे तलक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। हम खाते जिसका जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, हमारी उनके जहन कैसे मिल सकती है? अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगी, हम ये बात तो है ही नहीं ना कि हमारे जहन मिले, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, हमारी जो है ग्रोथ अलग है, हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स एंड जो हमारे कंडीशन है वो डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ, तो क्या मुल्क है, क्या मुल्क है? नहीं तो आपने क्या, नहीं क्या देखा? मैंने देखा है कि जहाँ पे गाय आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं ठीक है, उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है, आप उस मुल्क की बात कर रही हैं। अच्छा सर यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू कि अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो दुनिया में कितने रिलीजन हैं, अगर हम लोग किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डू यू एक्सपेक्ट के लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे? जब मुसलमानों ने और इस्लाम ने यह कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अपने पाक पैगंबर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट अस, हम लोगों में एक्सेप्टेंस क्यों? मुझे पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं पता कि जो एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, शी वाज नॉन मुस्लिम। हाँ जी, वो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, बाद में वो मुस्लिम होगी, लेकिन लेकिन यही चीज तो उसको मुस्लिम बनाया था, शी वाज सो, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो मच गुड इन हिज कंडक्ट, उन्होंने अपना कंडक्ट इतना अच्छा शो कराया कि जब जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका वो उनके घर जाके सफाई करके आए ठीक है, ये कंडक्ट जो था दैट मेड हर मुस्लिम ठीक है। अगर हम लोग अपना कंडक्ट ही अच्छा नहीं करेंगे देन व्हाट वुड गिव अ गुड इमेज? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए जहां पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई जो भारतीय हैं, भारतीय सनातनी हैं, वो गाय को रोटी खिलाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं। पहली बात तो भाई हम लोग गाय का मूत्र पीते हैं, चलो ठीक है, तो एक जीव जंतु के, देखिए पहली बात तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कुछ को अच्छी लगेगी कुछ को बुरी लगेगी, जो बलि है ना भाई वो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए इस चीज पर। देखिए आज के समय में जितना हक एक व्यक्ति को जीने का है उतना ही हक प्रकृति में हर जीव जंतु को है, उनको मिलना चाहिए। देखिए एक बेजुबान जानवर, बेजुबान पक्षी बोलते तो वो हैं बट उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, वो आपस में भाई समझते हैं, बोलते हैं वो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, तो उनकी हमें समझ नहीं आती। तो एक एक मनुष्य को खुश करने के लिए, उसका भाई वो कोई भी मजहब धर्म से कोई भी हो, उसको खुश करने के लिए एक बेजुबान जानवर को मारना, एक बेजुबान जानवर की बलि देकर भाई उसका भी पीछे परिवार होता है, हर जीव जंतु का, हर प्रकृति ने देखिए हर चीज का परिवार दिया है, अगर एक परिवार को मारकर एक परिवार खुश हो रहा है तो वो जो उस चीज के लिए भाई, यानी कि भाई उसमें कोई भी हो, कोई भी हो, मैं तो मानता नहीं उस चीज को, वो चीज ही नहीं है जो एक चीज को कत्ल करके दूसरी जीव को, मनुष्य को खुश कर रहा है, लानत है इस चीज पर। आप लोग कैरेक्टर से समझ जाए जबरदस्त।